हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। यहाँ पर जो आप प्लान देख रहे हैं, ये प्लान दो भाइयों के लिए प्लान है जहाँ चार कमरे हैं। आइए बढ़ते हैं प्लान की तरफ, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जब आप प्लान की तरफ आते हैं तो सामने में ये देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है ये वरान्दा है यानी दरवाज़ा है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर उनको दरवाज़ा चाहिए था, तो दरवाज़ा है। दरवाजे का जो ये साइज़ है 15 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का है, 15 3 बाई 12 का ये दरवाज़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहिए तो इसको छोटा भी गेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बड़ा गेट करके दिखाया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर आपको बरामदा ओपन रखना है तो आप बरामदे को ओपन भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्लान की तरफ। जब आप प्लान की तरफ आइए तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर व्यू करते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे जो देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। और सब्सक्राइब करने से आपका सपोर्ट बढ़ता है, और सपोर्ट बढ़ने से ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आ पाएंगे। तो ज़रूर अपना सपोर्ट सिस्टम बना कर रखें। और वीडियो को अगर आपको पूरा देखना, टाइम निकाल के आप चैनल पर आए हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं प्लान की तरफ। जब आप प्लान की तरफ आते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो है ये आपको 15 फीट बाई 12 का ये एरिया मैंने आपको बता दिया है। ये बरामदा है तो, और यहाँ देखिए ये हॉल आ गया। जैसे आप अंदर आते हैं तो ये हॉल काफ़ी बड़ा हॉल है। हॉल है 24.5 फीट यानी 24 फीट 6 इंच बाई 15 फीट 5 इंच का ये हॉल है। चलिए हॉल की तरफ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब तक अगर आप चाहिए तो आप इसे एक घर की तरह बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी ज़रूरत फील होती है, यहाँ पर बीम पड़ेगा ही, जब घर बनेगा तो यहाँ पर आपका जो प्लिंथ बीम चलता है वो बीम आएगा ही, ये बीम की तरह। अगर आपको कभी ज़रूरत फील हो घर बनने के बाद तो आराम से आप यहाँ पर पार्टीशन उठा सकते हैं, यानी मैं इस पार्टीशन के बारे में आपको बात कर रहा था। तो ये एरिया आ गया, आपको दो पार्ट में बट गया। यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि ये एरिया दो पार्ट में बट गया। ये देखिए ये एरिया दो पार्ट में आ गया। और तो इस ये आपको कॉन्सेप्ट ईजी हो गया कि कहाँ से बांटना है एरिया को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की अगली दिशा में। जब आप अगली दिशा में आइए तो ये हॉल आपने देख लिया। और आइए हम चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट हो तो चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ यह तो आपको ये कमरा है, एक कमरा है जो कमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कमरा आपको 12 बाई 12 का कमरा है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, जो डाइनिंग एरिया 7 बाई 8 का ये डाइनिंग एरिया है। इससे सटा हुआ किचन है, जो किचन यहाँ पर 8 बाई 8 का है। डाइनिंग एरिया इसी तरह से आपका होना ही चाहिए कि किचन से हमेशा नियर हो। किचन यहाँ है, डाइनिंग एरिया दूसरी जगह, वो अच्छा नहीं लगता। तो डाइनिंग एरिया यहाँ पर, किचन का रास्ता यहाँ से निकला तो ये आपका डाइनिंग एरिया, यानी परफेक्ट। घर में जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें हैं, ठीक। दूसरी चीज़, आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले कमरे की तरफ। अगले कमरे की तरफ जो आप आते हैं तो ये वाला कमरा 12 बाई 13 का ये कमरा है, ये जो आप देख रहे हैं 12 13 का कमरा है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये वॉल ड्रॉप है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अलमीरा कहलाता है ये डिज़ाइनिंग अलमीरा होता है, जहाँ पर आप चाहिए तो अलग से भी फर्नीचर से डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद ये 12 फीट का कमरा है, तो आपके लिए और इजी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एरिया माइनस करने के बाद ये 12 फीट बचता है। ये 2 फीट 5 इंच का एरिया है, क्लियर। चलिए वीडियो की अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आ जाइए, जब हम ये तो मैंने एक हिस्सा आपको क्लियर कर दिया, ये इसका एक हिस्सा था। चलिए वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब आप अगले हिस्से की तरफ आते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ तो हॉल वही सेम था, अगर आप पार्टीशन मारते हैं तो हॉल दो हॉल ये बन जाएगा। चलिए वीडियो की अगली तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ये एक कमरा है जो 13 बाई 12 का ये कमरा है। उसका डाइनिंग हॉल जो इस तरफ था सेम उसी तरह है। यहाँ भी यहाँ पर 7 बाई 8 का डाइनिंग है, किचन यहाँ पर 8 बाई 8 का है। तो चलिए और फिर अगली तरफ आते हैं, लास्ट कमरा आपका 13 बाई 13 का ये कमरा है। तो क्लियर, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको बता दूँ, स्टेयर यानी कि सीढ़ी घर, जो सबसे ज़रूरी होता है घर यहाँ पर, जो सीढ़ी घर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सीढ़ी घर इसलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर ख़ासकर जब हम प्लान बनाते हैं या कभी भी आप घर बनाते हैं तो इसे दो पार्ट में बांटना, तो स्टेयर भी दो पार्ट में इक्वल बांटना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है 3 फीट 6 इंच का एरिया है, यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का एरिया है यहाँ पर। और 3 फीट 6 इंच इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आसानी से एरिया आपको टर्निंग हो पाए। टर्निंग ज़रूरी है स्टेयर के पास, टर्निंग। और आप अगर चाहते हैं तो दूसरा गेट आराम से स्टेयर के नीचे से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ये एरिया में यहाँ से इसका दूसरा गेट निकल सकता है, स्टोर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना है। यहाँ पर आ गया, उसके बाद चलिए मैं, जो मेरे क्लाइंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शायद आ रही है स्टेयर के डिज़ाइन में।
तो देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेयर मैंने बनाया है, खास के मैंने वीडियो आपके लिए बनाया, देख लीजिए यहाँ पर जो स्टेयर का डिज़ाइन है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो स्टेयर का डिज़ाइन है वो देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं राइजर, राइजर जो सीढ़ी का खड़ा हिस्सा होता है, ये धाप का, ये ट्रेड यानी जहाँ पे आप पाँव रखते हैं, तो ये 6 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 इंच है, 6 इंच बाई 10 इंच। 6 इंच का खड़ा बेहतर होता है, ज़्यादा देना आपको पाँव में ठेहने में दिक्कत आती है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। ये आपका 10 इंच है, ये 6 इंच है, ये 10 इंच है, 6 10 6 10, तो आप क्लियर हैं। चलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना हूँ कि यहाँ तक जो मैंने एरिया पकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया आपको 9 फीट 6 इंच है, 9 फीट 3 फीट 6 इंच छोड़ने के बाद 9 फीट 6 इंच है। उसके बीच में जो मैंने धाप ली है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं धाप आती है इसके छोटे से चौताल पे, जो छोटा सा चौताल आप देख रहे हैं ये वाला, तो आप क्लियर हो गए। तो यहाँ पर दूसरा फिर हिस्सा उठता है आपका, एक एरिया उठने के बाद तो वहाँ से भी आप अगला ले सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं धाप यहाँ गई, और उससे ऊपरी जो धाप उठेगी 1 2 3 4 धाप में आप छत पर आ जाइएगा। एक ये हो गया, एक दूसरा होता है कि यहाँ से प्लेन करके स्टेयर के बीच से आपको निकाला जाता है, ये भी चढ़ाव होता है, ये भी चढ़ाव, लेकिन चढ़ाव एक ही तरफ से रखिए, ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि गेट होने के बाद दोनों एरिया अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई मसला है नहीं। यहाँ पर आपकी स्टेयर सेपरेट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी तरफ रहने वाले को स्टेयर से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको अभी भी कहूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते हैं पूरा देखें। अगर इस वीडियो को लेकर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।